हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो अच्छे स्वस्थ और मस्त और तंदुरुस्त होंगे। जहाँ भी होंगे अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है क्या, सैटरडे है ना? आज सैटरडे महाराज जी आज सुबह आए 5:30 बजे मॉर्निंग में, 4-5 दिन बाद आए। और लाइट बंद कर दो वहाँ का, नल भी बाद में चालू करना। आपके ऊपर अच्छा लगता है? अरे यार, ये क्या बिंदी लगा है? सादा बिंदी चाहिए तो ये नहीं मिला। शादी में थोड़ी जा रही तो मैं देता हूं। नहीं, अब बस बहुत हो गई बात। सारा सेवा जिन करे करे कर ना करे चल। नहीं लोग परेशान कर दिए। और आज मैंने ये वाला नाइटी पहना है, आप लोग देख सकते हैं कैसा लग रहा है, जरूर बताना। वो ढीला ढीला सा लग रहा है एकदम। ये वाला नाइटी में बहुत कम मतलब कभी पहनी नहीं, फर्स्ट टाइम ली हूँ ये बंगाली नाइटी। अच्छा है। और कैसे पहन रहा हूँ मम्मी? हेलो, नहा चुके हैं और अभी कपड़ा पहन रहा है, उसको नहीं दिखा सकती हूँ। पहन लेता है, अभी पहन लिया है। टावल लगा के घूम रहा है, अभी पहन रहा है। और हाँ, महाराज जी वहाँ मीटिंग में गए थे तो वहाँ फिर चले गए महाकाल और भैरवनाथ दर्शन करने के लिए। तो वहाँ से लाए हैं प्रसाद, जा रही हूँ सबको प्रसाद दूँगी। अब मेरे लिए कुछ लेके आए, बहुत खुशी हुई भाई, फर्स्ट टाइम कुछ लेके आए, अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, एक बार मथुरा वृंदावन गए थे वहाँ से पर्स लाए थे, बैग लाए थे लेकिन वो सही नहीं निकला था। लेकिन ये वाला बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा भी लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आया। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ क्या है वो चीज़, है ना। आज नहा के आ चुके हैं, जा रहा है बाल बनाने। तो चलिए क्या है लेके आए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी अभी साथ तो देखिए टिंटाडा, आप लोग बताना ये चुन्नी लेके आए मेरे लिए, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। दो लाए हैं दो, ये मैंने सुबह मॉर्निंग में निकाला, पूजा करने के टाइम लिया था मैंने इससे। और एक और है, उसे मैं ये वाला कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है, इसे मैं ना नवरात्रि आ रही तो माता रानी को मैं चढ़ाऊंगी, है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। ये अंकल का इंडियन लग रहा है, ऊपर फिर नीचे वाइट फिर नीचे। तो ये वाला ना मैं फ्रेंड ऐसे ही साफ रख दूंगी, ये नवरात्रि में माता रानी को मैं चढ़ाऊंगी तब मैं इसे लूँगी। और ये तो मैंने निकाल लिया शनिवार तक, मैं इसे ओढ़ लेती ली थी पूजा करने के टाइम पर। अच्छा दुपट्टा सही नहीं ले, दुपट्टा कैसी लग रही है जरूर बता रहा कमेंट बॉक्स में। मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम सॉफ्ट एकदम नरम है, नेट वाला है, अच्छा लग रहा है। वाह बहुत अच्छा है। और ये वाला मैं रख देती हूँ, ये कलर भी, ये भी काफ़ी सुंदर है, देख सकते हैं आप लोग ऐसे भी तीन कलर में इंडियन कलर। इसे रख देती हूँ मैं नवरात्रि में माता रानी को, मैं इसे चढ़ाऊंगी, साफ रख देती हूँ। और प्रसाद का प्रसाद लाए अभी मैं निकाली नहीं, कुछ भी चल रही हूँ खोलूँगी। हाथ का जो है ना वो भी, हाँ तो ये है महाकाल का, महाकाल गए थे। उज्जैन महाकाल गए थे। ये है, इसमें फूल है, फूल जा गया है, यहाँ रख देती हूँ। और ये है वहाँ का भैरवनाथ का। तो चलिए प्रसाद निकाल के सबको दे देती हूँ और आप लोग भी आइए प्रसाद ले लीजिए। बहुत भाग्य से सौभाग्य से ये सब मिलता है, हम लोग तो कभी पहुँच ही नहीं पाते हैं, दिख नहीं रहा होगा। मेरे महाराज को जब मीटिंग जाएंगे ना, जहाँ जाएंगे वहाँ के दर्शन करके जरूर आते हैं, एक दो दिन रह के घूम टहल कर दर्शन करके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए लड्डू है, कितने आए, 5 ही लड्डू है इसमें, तो इसी में उतार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग प्रसाद ले लीजिए भाई, प्रसाद जय जय महा बाबा की जय।
हमें भी बुलाइए पापा दर्शन करने के लिए, देखते हैं हम कब जाते हैं। मेरे महाराज सब बहुत जाते हैं, जब देखो तब उनको जाना है वहाँ जरूर दर्शन करके आते हैं। तो चलिए आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए और चलते हैं अभी, सबको प्रसाद लगा दूँ। सुशांत जाएगा, देकर आएगा और छो सुशांत दोनों दिन जाएंगे। बने रहिए आप सब। तो फिर सब चालू कर लूँ, निकाल लूँ जल्दी जल्दी, सब साफ कर लूँ। ठीक है, अच्छा क्या ज़्यादा किचन का काम, ज़्यादा किचन का सामान, क्योंकि बीच में जब ये कपाट लग रहा था तब मैं आप लोग देखे थे, पूरा मैंने साफ किया था, लेकिन फिर भी ये सब भी ऑयल ऑयल हो जाता है यहाँ पे, देखिए छिटा आता है ना ऊपर पूरा। चलो पहले मैं डब्बे वगैरह से हटा देती हूँ, ये तो रखो उनका। तो सब हो रहा है साफ सफाई, चलते हैं जल्दी जल्दी करते हैं, आप लोग बने रहिए। मम्मी अभी झाड़ू से सफाई कर रही है, किचन का भी धुलाई हो गया। मम्मी थोड़ा सा बाकी है हाफ। तो आप देख सकते हैं मम्मी अभी किचन का साफ सफाई बाकी है ना, चालू है। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। तो अभी बन रहा है, शाम का टाइम हो चुका है और आगे मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी, पूरा साफ सफाई करके बहुत हालत ख़राब हो गई। 3 बजे में खाली हुई थी, तो यहाँ पर देखिए अभी बर्तन जो पड़ा है, थोड़ा दोपहर में सब खाए पिए थे ऐसे ही पड़ा है, मैं अभी नहीं धुली, मैंने अभी इकट्ठा ही धुलूँगी। और मैं बना रही हूँ बैगन की कलौंजी, छोटी छोटी बैगन लाई थी तो अभी मुझे याद आया, अरे मैं वीडियो ले ली होती तो अच्छा था, रेसिपी सूट हो गया था मेरा एक, लेकिन बस ऐसे ही कुछ दिमाग में चल रहा था, वही सोचते सोचते नहीं कर पाए, तभी यही चल रही हूँ। ये देखिए बैगन की कलौंजी बना रही हूँ, मैंने आटा तैयार कर लिया है, जा रही हूँ उसकी रोटी बनाऊंगी। और बच्चे महाराज जी सब चारों लोग गए हैं बाहर अपना, वैसे देख कुछ नाश्ता पानी करेंगे, इन लोगों को बच्चों को खाना था तो गए हैं, सब खा पी के आएंगे, इसलिए मैं थोड़ा खाना बनाऊंगी ज़्यादा नहीं, तो सब्जी रोटी ही बना रही हूँ और थोड़ा सा चावल भी बचा। मैं दोपहर में 1 बजे हाँ दाल चावल में बनाई थी, और बाकी काम किचन का काम होने के बाद दाल चावल में डाल दी थी, हो रहा था बाकी मैं अपना कपड़ा वगैरह धुल के डब्बे वगैरह सब धुल के नहा के तब मैं भी खाई थी खाना 3 बजे। हाँ तो यही सब है फ्रेंड्स, सोच रही हूँ अकेली हूँ, सब गए हैं बाहर, तो चलते हैं रोटी बना लेते हैं, सब काम कर लेते हैं। मैं सोच रही जल्दी खाना बन जाए, जल्दी सब खा लीजिए, मैं भी थोड़ा आराम करूँ, क्योंकि 5:30 बजे महाराज आए, फिर 1 ही घंटे बाद पानी आ गया, उठी हूँ तब से 6:30 बजे का ही उठी हूँ, काम 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 काम, एक बार भी ऐसा पीठ रखी नहीं हूँ आज, लेटी तक नहीं हूँ मैं, सोचो सुबह 6:30 बजे का उठी हूँ, काम बहुत हो गया है। तो बने रहिएगा जो भी है करके, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं सोच रही जल्दी से रोटी बन जाए, सब आए तो अपना खाए पिए, टाइम भी हो जाता है ना तब तक।